क्या ये? क्या सर? ये क्या है सर? ये सर, ये आपने वो बोला था ना कि जो न्यू बॉस है उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपको, तो वही तो है सर। टाइम भी देखिए 10:50, मतलब 11 बजे के पहले मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये इन्फॉर्मेशन है, इट्स अ टोटल टाइम वेस्ट। सर सर क्यों सर? सर इसमें सब कुछ तो है, नेम, नंबर, एड्रेस, कौन सी डिग्रीज ली, कहाँ जॉब की, एवरीथिंग इज देयर। ये इन्फॉर्मेशन ना मैं भी निकाल सकता था नेट पर, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसे इन्फॉर्मेशन नहीं कहते, समझा? सर इसे इन्फॉर्मेशन नहीं कहते तो किसे कहते हैं? इंसान फुर्सत में बैठ के कौन सा गाना गुनगुनाता है, जब बगीचे में जाता है तो कौन से फूल को छूने का उसका मन करता है, कौन से पंछी की आवाज उसके कान को प्यारी लगती है, जब सुबह ऑफिस जाता है तो गाय को घास खिलाता है या मंदिर की घंटी बजाता है, ये सब जानना है मुझे। ये सारी इंफॉर्मेशन ना टाइम पास है, टाइम पास कर सकते इससे, चमचागिरी नहीं, समझा? सही है सर, एकदम सही। सही है। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या जानते हो? साला इंटरनेट के बाहर की दुनिया ही नहीं जानते तुम लोग। जब देखो तब इंटरनेट पे लगे रहते हो, थोड़ा बाहर निकल, समझ जाएगा। सर यही सब तो सीखने आया हूँ और फिर आप सिखा भी रहे हैं। सर मुझ पर नहीं, कम से कम खुद पर तो भरोसा रखिए, मैं सब सीख जाऊंगा धीरे धीरे। अपने धंधे में धीरे धीरे कुछ नहीं चलता है। सर जल्दी सीख जाऊंगा। अभी अपना टाइम पास लेके जा और जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैंने कहा है ना वो इन्फॉर्मेशन निकाल, मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा सुन जी, मेरे जैसा आदमी जो सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, पार्टीज नहीं करता, उसे अगर सेलिब्रेट करना है तो कहाँ जाना चाहिए, सजेस्ट कर। सर सेलिब्रेशन किस खुशी में? ये खड़ूस बॉस अपना ऑफिस छोड़ के जा रहा है, इससे बड़ी सेलिब्रेशन की बात और क्या हो सकती है? सर मैं जानता हूँ कि आपकी और बॉस की आपस में पटती नहीं, लेकिन सर इतने साल आप दोनों ने साथ में काम किया है, थोड़ा तो दुख होता होगा ना, मतलब तो किसी के जाने का सेलिब्रेशन। इस सवाल का जवाब ना तो बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी सवाल किया है, जवाब तो दूंगा मैं। तुझे ना मेरे अंदर के घटिया और गंदे इंसान को देखने में बहुत मजा आता है ना? नहीं ऐसा नहीं है सर। नहीं ऐसा ही है, और एक और बात जान ले, ये बॉस अगर ऑफिस छोड़ के जाए या दुनिया छोड़कर, मुझसे ज्यादा खुश इंसान ना और कोई नहीं होगा, समझा? तो जी सर। सजा Thank you, Mr. Desai. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. So, goodbye, Meer. No hard feelings? Sure. No hard feelings. Goodbye. मुझे सर सुनाई नहीं दिया, या फिर तुमने कहा ही नहीं। वो क्या है ना, वैसे यस सर, गुड बाय सर, ऐसा होता था आज से पहले, आज नहीं हुआ। वो क्या है ना कि आज के बाद नया सर आने वाला है। गुड बाय। गुड बाय नितेश। All the best. All the best? मुझे क्यों? नई रेस शुरू होने वाली है, नया बॉस आने वाला है, तो उस तक तो पहुंचना ही होगा ना। अब पिछली बार मैं शादी में बिजी हो गया था, इसलिए पुराने वाले तक तू पहुंच गई। बड़ा इस्वे नितेश, इस बार ऐसा नहीं होगा, ये रेस मैं ही जीतूंगा। यार तू इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? मैंने कोई भी पर्सनल चीज को लेकर ये सब नहीं किया है, और वैसे भी तू यहां था नहीं, तो मैंने अपना काम किया, बॉस को पसंद आया, बात खत्म। लेकिन तू अब तक उसी बात को लेकर बैठा है। लुक, नया बॉस आने वाला है तो पुरानी बातें भूल जा। और यार हम लोग कलीग्स है, साथ काम करना है, साथ आगे बढ़ना है,
टेक इट इजी मैन। तू जानता है तेरी प्रॉब्लम क्या है नितिश? तू आगे बढ़ना चाहता है और मैं टॉप पर जाना चाहता हूं, और वहां सिर्फ एक ही जगह होती है, ओनली वन। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू? यस, यू आर द वन जिसकी हेल्प की जरूरत मुझे सबसे पहले पड़ेगी और हर रोज पड़ेगी। सर एज इन यू हैव टू बी एज चीयरफुल एज पॉसिबल। ऑफिस में कोई भी आता है सबसे पहले किससे मिलता है? तुमसे। सो यू गॉट टू बी वेरी पॉजिटिव। बट सर आप, आई एम योर न्यू बॉस दिवाकर लिमये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गाइज, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज 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 सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट सिट। हाउ आर यू ऑल? गुड सर। मुझे कहा गया था कि ऑफिस को एड्रेस करना है, यू नो, एक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टाइप्स। मुझे ये सब वैसे टाइम वेस्ट लगता है। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं बोल नहीं पाता, दूसरा मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पीआर कंपनी का जीएम और नर्वस? अरे भाई हो जाता हूं यार, इंसान हूं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं क्लाइंट के सामने नर्वस नहीं होता, अपना काम अच्छी तरह करता हूं, अपनों के सामने नर्वस हो जाता हूं। खैर अब आ ही गए तो दो चार बातें कर लेते हैं। लेट्स हैव अ चैट। ओके, लेट्स डिफाइन अ जॉब। हमारा काम क्या है, कौन बताएगा मुझे? वी आर पब्लिक रिलेशन एजेंसी। हम यहाँ सेलिब्रिटीज की कंपनीज की इमेज बिल्ड करते हैं। वी आर इमेज बिल्डर्स। एब्सोल्युटली राइट। हम लोग मेकअप करते हैं। वी आर लाइक लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, आई शेडो, आई लाइनर, यू नो, लोगों के चेहरे लेते हैं हम लोग, कंपनीज को लेते हैं अपने हाथ में और उनको और सुंदर बनाते हैं। लेकिन ये जो मेकअप है ना यार, इसको हमें ऑफिस के बाहर ही छोड़ देना चाहिए, ऑफिस के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। Let's all be real, let's all be true to ourselves, you know? यार एक तो वैसे ही हमारा जॉब इतना स्ट्रेसफुल है, ऊपर से ये मुखौटों का बोझ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नहीं? अब मुझे देखो, एक सिंपल सी कमीज, ट्राउजर, नो ब्लेजर, नो टाई। बट हाँ, क्लाइंट से मिलने जाऊंगा तो ब्लेजर टाई जरूर पहनूं, लेकिन अगर नहीं तो फिर आई नो दिस जेंटलमैन वोंट अग्री विद मी। अरे भाई मुझे माफ कर देना यार, मैं ऐसे ही हूं, यू नो, द मोर कंफर्टेबल आई एम द मोर क्रिएटिव आई एम। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे आना है तो तुम ऐसे आओ। सर शॉर्ट्स पहन के आए तो? यंग मैन, अब तुम कहोगे कि सर वो टीवी भी चला लेते हैं, मैच वैच देखते हैं, पकौड़े मंगाते हैं, पकौड़े भी खाते हैं। और फिर एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, जब मैं यहां से घर जाऊंगा तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, पीआर की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, एक और फुल फॉर्म हो सकता है, पर्सनल रिलेशन। लेट अस ऑल बी लाइक अ फैमिली। थैंक यू, चीयर्स, सी यू गाइस सून। सर ये इंग्लैंड वाली इंफॉर्मेशन ने तो लोचा कर दिया, आप ब्लेजर लेकर बैठे रहे और उन्होंने सिक्सर मार दी। सबका अपना अपना स्टाइल होता है इंप्रेस करने का। इसलिए सादगी वाला स्टाइल अपना है। बड़े चंट होते हैं ये लोग, तभी तो बॉस है। मुझे लगता है मुझे ही अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा इसे इंप्रेस करने के लिए। मे आई कम इन सर? ओह ब्लेजर बॉय, कम ऑन इन। आई एम मिहिर सुखारिया, नाइस टू मीट यू मिहिर। सेम हियर सर। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू सर। नो नो, टेल मी। सर वैसे कुछ खास काम नहीं है, बस थोड़ी सी पर्सनल बातें थी जो शेयर करनी थी। सिर्फ दो मिनट लूंगा सर, इफ यू डोंट माइंड। या श्योर, गो अहेड। सर आज आपने जो स्पीच दी सर,
अभी भी गूज़बम्स है सर। अरे भाई ऐसा क्या खास कह दिया मैंने? सब कुछ खास था सर, एक एक लफ्ज खास था। सर मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, गुजरात के छोटे कस्बे से आता हूँ सर। सर मेरे पापा ने दो शिफ्ट में नौकरी करके मुझे पढ़ाया लिखा है। इससे पहले ये मुंबई शहर, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये ब्लेजर, सर ये सब चीज़ों से अनजान था मैं सर। मेरा तो बस एक ही ध्येय था सर, जल्द से जल्द करियर बनानी है, जल्द से जल्द पैसे कमाने, और दोनों चीज़ अचीव की मैंने। लेकिन इन सब चीज़ों में ना सर, एक चीज़ मैं बहुत मिस करता था, ह्यूमन टच। सर रोज सुबह ऑफिस में आते, एक दूसरे को हाय हेलो करते, गुड मॉर्निंग कहते, स्माइल तक करते सर, लेकिन सिर्फ बाहर ही दिखावा है, अंदर ही अंदर तो जलते एक दूसरे से, कॉम्पिटिशन लगा रहता है। हमें तो यही सिखाया गया है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देयर इज नो दिल, ओनली दिमाग। लेकिन सर आज जब आपने अपनी स्पीच में ये कहा ना कि पीआर का मतलब होता है पर्सनल रिलेशन, इस ऑफिस को आपने अपनी फैमिली कहा सर। 7 सालों में पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं एक जिंदा जगह पे हूं सर। इससे पहले तो मैं खुद ही भूल गया था कि मैं कौन हूं। पुराने दिनों की याद दिलाती सर, दिल से सर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। मेहर, मेहर राइट? यस सर। मेहर हम लोग जहां से आते हैं ना और जिन परिस्थितियों से आते हैं, हमें उनको कभी भूलना नहीं चाहिए और उन पे हमेशा गर्व करना चाहिए, ऐसे ही रहना। सर मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता सर, क्योंकि पिछले 7 सालों में जिन परिस्थितियों में मैं रहा हूं सर, मैं सचमुच में भूल गया हूं कि मैं कौन हूं। बट सर आई ट्राई माय लेवल बेस्ट सर, आई अश्योर यू दैट। अच्छा है, साथ में काम करने में मजा आएगा। फॉर श्योर सर, आई टेक योर लीव, गुड लक। सॉरी वंस अगेन सर, वो 2 मिनट से ज्यादा ही वक्त ले लिया मैंने आपका। That's cool. Thank you. Have a good day. Star Plus के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।